हेलो एवरीवन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सीआरटी के फर्स्ट टू मंथ यानी कि आपकी फाउंडेशन ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है, या फिर अभी एचसीएल टेक भी मैं नई नई घुसे हो तो आप इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है वो चेक कर सकते हैं। पर अभी जो बात है वो ये है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग में जैसे ही आप एंटर करते हो, दो मंथ के बाद आपको दो नए आइटम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक का नाम है आईकेम और दूसरे का नाम है लैब। लैब और आईकेम, इन दोनों से स्पेसिफिक ट्रेनिंग वाले बंदों का दिमाग बिल्कुल खराब रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ लैब के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईकेएम के बारे में। अगर आप ये वीडियो थोड़ा बाद में देख रहे हो तो शायद हो सकता है वो वीडियो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो अभी हम बात करते हैं लैब की पूरी क्या कहानी होती है। तो जैसे ही आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आते हो, आपको एक स्पेसिफिक टीम अलॉट हो जाती है। जैसे कि मेरी स्पेसिफिक टीम थी इंफ्रा, इंफ्रा के अंदर ब्रांच थी विंडोज एडी, ये दो वर्ड आपको समझ में आए होंगे। स्ट्रीम, स्ट्रीम के अंदर ब्रांच, जो ब्रांच होती है उसी को हमें पर्टिकुलर दो मंथ तक या फिर 45 डेज तक कंटिन्यू करना होता है, और एप्स के केस में आपको पूरे 60 दिन भी लग सकते हैं और 90 दिन भी लगते हैं। 3 मंथ के भी बहुत सारे कोर्स होते हैं और 4 मंथ की CRT भी है उनमें। पर अभी मैं केस लेकर चल रहा हूँ इंफ्रा वालों का। उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो होती है यानी कि अपनी ब्रांच वाली ट्रेनिंग होती है, वो 40 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में होती है। मेरा बैच था विंडोज, मैंने बैच में ट्रेनिंग की 45 डेज की। 45 दिन में मेरे 2 बार पेपर हुए थे। MCQ वाले पेपरों के साथ साथ एक नई टर्म जो होती है वो जुड़ जाती है, उसका नाम है अपना लैब। जो लैब होती है उसमें क्या होता है, लैब का जो सिस्टम है पूरा मैं आपको समझाता हूँ। आपके LMS पे 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है 2 घंटे में, पर इतना आसान नहीं होता। ये सुनते ही सबके दिमाग में ये होगा, ये तो बहुत इजी है क्योंकि किसी न किसी से करवा लेंगे, पर नहीं। इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है HCL वालों के द्वारा। वो क्या करना है, आपको ए बॉक्स पर जाना है, अपना कैमरा चालू करना है और आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। ये दोनों चीजें आपको जरूर करनी है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हो तो आपको फेल कंसिडर किया जाएगा। इसलिए आपको शॉर्ट में समझाओ तो आपके LMS पे 4 क्वेश्चन आए होंगे। टू डू लिस्ट में वहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। सबसे पहले आप ए बॉक्स पर जाओगे। ए बॉक्स पे जाने के बाद अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप अपना कैमरा ऑन करोगे, जैसे आप हमेशा हर असेसमेंट में करते हो। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, हमको वर्चुअल बॉक्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जितने भी क्वेश्चन LMS पर दिए होते हैं, साथ साथ उनके स्क्रीन शॉट लेने हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो मान लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन करूंगा। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद मान लो मुझे क्वेश्चन दिया गया है यूजर ऐड करने का, तो यूजर ऐड करने के लिए ये प्रोसीजर होता है, और इस प्रोसीजर में जितनी बार स्क्रीन चेंज हो रही है उन सब का स्क्रीन शॉट लेने होते हैं, जैसे ये और फिर ये, इसी तरीके से कंटिन्यू जब तक क्वेश्चन का एंड नहीं हो जाता। इन सब स्क्रीन शॉट को आपको वर्ड फाइल में पेस्ट करके क्वेश्चन का नंबर दे देना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन, और उसे LMS पर अपलोड कर देना है। ऐसे करके मैं सारे क्वेश्चन कम्प्लीट करूंगा, और सारे क्वेश्चन कम्प्लीट करने के बाद उन्हें अपलोड कर दूंगा। ये सब आपको पूरे 2 घंटे में करना है, और 2 घंटे में अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपको फेल किया जाएगा। इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया कि लैब क्या है, और अगर अब भी आपका कोई डाउट है लैब से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे लास्ट तक इस वीडियो के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे लैब को लेके। जैसे कि अभी मैं मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस है लैब से रिलेटेड उनके आंसर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा लैब को लेकर, वो ये है कि जो लैब है उसमें पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। लैब में पासिंग मार्क्स आपको 60 चाहिए होते हैं। HCL में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में पासिंग क्राइटेरिया 60 ही है, मतलब आपको 60% मार्क्स चाहिए। तो लैब में क्वेश्चन कितने आते हैं ये भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है, मिनिमम क्वेश्चन 4 आते और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। तो किसी किसी केस में 5 भी आए हैं, किसी किसी केस में 6 भी आए हैं। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन देख लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और मैंने प्राइवेसी के लिए ग्रुप का जो नाम था यानी जिस बैच के ये क्वेश्चंस है उनका नाम हटा दिया है, ताकि SCL वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी डांट ना खानी पड़े।
तो ये हमारा क्राइटेरिया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर किसी मिस्टेक से आपका कैमरा कुछ देर के लिए बंद हो जाता है या फिर आपकी स्क्रीन अनशेयर हो जाती है तो क्या आपको फेल कर दिया जाएगा? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अगर गलती से हुआ है या फिर आपका वर्चुअल बॉक्स हैंग हो गया या फिर आपका पीसी लैग कर रहा है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, पर याद रखना कैमरा जो है वो चालू होना चाहिए। स्क्रीन भी शेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रीन शेयर ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी, जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोग बहुत समझदार बनते हैं जो 5 मिनट के लिए स्क्रीन एंड शेयर करते हैं और फिर 1 घंटे के लिए चले जाते हैं बिना स्क्रीन शेयर करके, तो ऐसे केस में आपको कर दिया जाएगा फेल। और अभी जो बात है, जो रिसेंटली ऐड करी है HCL ने, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या था, जैसे मेरा बैच है विंडोज AD, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, विंडोज AD के पिछले साल वाले सीनियर या पिछले मंथ वाले सीनियर जो थे उनके पास जा रहे थे, उनसे क्वेश्चन ले रहे थे और फिर उनकी PDF को अपलोड कर दे रहे थे। तो अभी HCL वालों ने 2 चीज शुरू कर दी है, मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप फेल ना हो बिल्कुल भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों बातों को ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने ऐड करी है वो ये है कि आप जो फाइल अपलोड करोगे उसका ऑथर चेक करा जाएगा। ऑथर मतलब आपको पता होगा क्या सिस्टम होता है, मतलब अगर आप अपनी फाइल बनाते हो खुद तो उसके ऑथर आप होते हो, पर अगर आप किसी और की फाइल, जैसे कि मैं मानकर चलता हूँ कोई बच्चा मेरी फाइल को अपलोड करेगा अपने सिस्टम में, तो ऑथर तो उसका मैं ही होगा, तो सीधा उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसे फेल कर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखना, अगर आप बहुत ज्यादा समझदार बन रहे हो तो फाइल का ऑथर चेंज करना मत भूलना, नहीं तो दोनों, जिसने आपको फाइल दी है और जिसने फाइल यूज करी है, दोनों फेल हो सकते हो। और दूसरी चीज उन्होंने जो इम्प्लीमेंट करी है वो ये है कि पहले तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल रिपीटेड आ रहे थे, जैसे कि एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम सी रख दो या फिर उसे डी रख दो, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे थे, आप स्क्रीन पर देख लो। पर अभी जो केस चल रहा है रिसेंट में, जो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है, वो ये है कि आप पहले वाले की फाइल नहीं उठा सकते। मान लिया कि आपने अपने दोस्त से फाइल ले ली, उसके बाद उसका ऑथर नेम चेंज कर दिया, पर आपका दोस्त का नाम सागर है, आपका नाम रवि है, तो आपको दिक्कत आएगी। कैसे आएगी, मैं बताता हूँ कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सी और डी नहीं करवा रहे हैं वो, बल्कि ये बोल रहे हैं कि फोल्डर का नाम अपने नाम पे रखो। तो सीधी सी बात है, आपका दोस्त आपको फाइल बना के क्यों ही देगा, सोच के देखो थोड़ा सा। वो अपने लिए फाइल बनाएगा, अपनी फाइल बनाने के बाद अपलोड करेगा, अगर उसके पास टाइम बचेगा गलती से तो आपकी मदद करेगा। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और पढ़ना शुरू करो, जब ही लैब क्लियर हो पाएगी, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप सोच रहे हो कि आपका दोस्त आपको फाइल दे देगा या फिर पिछले साल वाले भैया दीदी उन्होंने आपको फाइल दे दी है, वो फाइल आप उठा के अपलोड कर दोगे और पास हो जाओगे, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरे लैब में टर्म 1 में 71 आए थे, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों आए थे। और टर्म 2 में 91 आए थे, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जब ही आप लैब को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो असेसमेंट में बहुत बंदे निकल जाते हैं, क्योंकि वो चीटिंग कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर लैब में चीटिंग करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग वाली लैब में क्या हुआ था, उसमें मेरे 71 कैसे आए थे। तो इसका लॉजिक सिंपल ये था कि पहली लैब थी और मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। एक तो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था वो चल नहीं रहा था मेरे PC में, तो मैंने वर्ड पैड में फाइल बनाने का सोचा। मैंने वर्ड पैड में फाइल बनाई और एक फाइल की जो आप मैक्सिमम लिमिट रख सकते हो वो है 10 MB। मैंने जो फाइल बनाई थी वो थी 150 MB की, 200 MB की, इतनी बड़ी बड़ी मैंने फाइलें बनाई थी जो कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। फिर लास्ट में मैंने छोटा करा और क्या हुआ था, जो 2 घंटे थे, मतलब आपको 2 ही घंटे मिलते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं या फिर 5 क्वेश्चन होते हैं करने के, तो आपको अपनी स्पीड भी बना के रखनी होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरे स्टार्टिंग के 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने का ट्राई करा, जिसमें से 1 क्वेश्चन मेरा पूरा नहीं हो पाया था। फिर लास्ट में जब 2 घंटे पूरे हुए थे, तब मेरे 4ों में से 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पूरे हो गए थे, मतलब 2 घंटे में तो समझ लो कि मैं तो फेल होने के कगार पर था। पर क्या हुआ, उन्होंने एक्सीडेंटली ये बोल दिया कि क्योंकि हमारी फर्स्ट लैब थी तो जो बंदे फाइल अपलोड नहीं कर पाए उनके पास आधा घंटा और बचा है, मतलब हमारी लैब खत्म हुई थी 2 से 4 के बीच। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फेल हो जाऊंगा,
दोबारा दे दूंगा रीलैब, पर एक्चुअल में क्या हुआ था, लैब देने की नौबत ही नहीं आई। मैंने क्या करा, उन फाइलों को पहले मैंने छोटा किया और हमें टाइम मिला 1 घंटे का, मतलब 4 बजे से 5 बजे तक का। तो मैं तो गया हुआ था बाहर, पर मैं जब वापस आया उन्होंने मेरे से बोला कि 5 बजे तक आपके पास टाइम है, अगर आप अपने क्वेश्चन अब भी अपलोड कर देते हो। उन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग में आधे घंटे खोल के रखा था, उससे मतलब 2 बजे हमारी लैब स्टार्ट हुई थी, 4 बजे तक का हमें टाइम मिला हुआ था, तो उन्होंने 4:30 तक कर दिया। उस टाइम को 4:30 तक करने के बाद जिसने अपलोड कर दी उसके LMS पे अपलोड हो गई, पर जो LMS पे भी अपलोड नहीं कर पाए तो इन्विगलेटर बैच की ट्रेनिंग के बीच में आकर बोलते हैं कि जो मैं आपको ईमेल आईडी दे रही हूँ ना, इसी मेल आईडी पे आपको क्वेश्चन सेंड कर दो, अपनी सैप आईडी सेंड करो और अपना टी कोड सेंड करो और अपना नाम सेंड करो, ये सब चीजें सेंड करो, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे और हमारा काम और आपका काम हो जाएगा। अभी आप मेरे से यह पूछ सकते हो, जो लैब के क्वेश्चन होते हैं उन्हें चेक कौन करता है, मतलब हमारे ही ट्रेनर चेक करते हैं या फिर किसी और के ट्रेनर चेक करते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी और के ट्रेनर चेक करते हैं, अपने ट्रेनर चेक बिल्कुल नहीं करते। इसलिए ये मत सोचना आप जुगाड़ लगवा लोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा जब ही आप पास होंगे। और लैब के क्वेश्चन चेक करने में कितना टाइम लगता है, मतलब आपका रिजल्ट कितने टाइम में आता है? पहली बात, आपका रिजल्ट साथ साथ नहीं आता, आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। मेरे केस में जो टर्म 1 का लैब थी वो हमारी 3 दिन में चेक हुई थी, टर्म 2 की लैब थी वो 1 दिन में चेक हुई थी, मतलब जैसे आज हमारी लैब थी तो रात को चेक हो गई, IKM रिजल्ट भी नेक्स्ट डे आ गया था, पर ऐसा किसी किसी केस में हो रहा है। पर अभी तो बहुत टाइम लग रहा है, मान के चलो आपको 2-3 दिन का टाइम तो लगेगा ही, मिनिमम और मैक्सिमम तो उनके हाथ में है। कभी कभी तो टर्म 1 वाली चेक ही नहीं करते, टर्म 2 वाली आ जाती है। अभी आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि टर्म्स में जो लैब होती है, मतलब स्पेसिफिक ट्रेनिंग में जो लैब है, वो कितनी बार होती है? तो उसका सिंपल सा जवाब है, आप जिस कोर्स में हो, जितने मंथ का है, लैब उतनी बार होगी। मतलब कि मैं मानकर चलता हूँ आपका कोर्स भी 2 मंथ का है, तो आपकी 2 बार लैब होगी, असेसमेंट 1 एंड असेसमेंट 2। मोस्ट ऑफ द केस में मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 3 होता है। और मैं उस केस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि आपकी CRT 4 महीने चल रही है, पर मिनिमम आपके 2 बार लैब होंगी, लैब 1, लैब 2, और अगर आप फर्स्ट वाली लैब में फेल हो जाते हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रीअसेसमेंट 1 हफ्ते बाद, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हो। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बंदा इतना ज्यादा अनपढ़ हो, लेकिन मान लेते हैं गलती से आपने कुछ गड़बड़ कर दी, इस वजह से आप फेल हो गए सेकंड अटेम्प्ट में भी, तो कुछ नहीं, बस ये है कि आपको प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। ये पूरा लॉजिक है और उसमें आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। याद रखना, अगर आपको वो निकालेंगे तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। भले ही आप IKM में फेल हो या फिर आप लैब में फेल हो, आपके पास 2 अटेम्प्ट है, पर कोशिश करना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओ, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं और पूरे बैच का एक साथ होता है, तो बाकी बंदे भी कुछ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकेले का पेपर हो रहा है तो फिर आपकी मदद कोई नहीं करेगा अपनी क्लास छोड़ के, इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देना, ChatGPT के भरोसे बिल्कुल मत रहना, वो बस बता सकता है, करना आपको फिर भी खुद ही पड़ेगा, और पिछले वाले साल के जो सीनियर है उनकी फाइल उठाकर अपलोड मत करना, ऑथर का नाम चेंज कर लेना, कर भी रहे हो तो, और वैसे भी वो कुछ काम की नहीं है, फेल कर देंगे सीधा ही, तो नई फाइल बनाना अपनी। और क्वेश्चन का सेम ये लॉजिक है कि पूरे बैच के क्वेश्चन सेम आते हैं, वैसे तो टोटली आपके ऊपर ही होता है कि आपको ही करना है। क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत अगर कहीं भूल रहे हो तो अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। पूरे बैच का एक ही टाइम पे लैब होता है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप मान लो विंडोज AD1 में हो और विंडोज AD2 वालों के सेम क्वेश्चन आएंगे, विंडोज AD1 वालों की लैब आज है और विंडोज AD2 वालों की 2 हफ्ते बाद है, पर जो क्वेश्चन आपके आए हैं वही क्वेश्चन उनके भी आएंगे, तो अगर आप चाहो तो उनकी मदद कर सकते हो, गाइड करना, क्वेश्चन मत देना। किसी की मदद क्यों ही करें, हमारी मदद करी थी किसी ने, नहीं करी ना, तो सामने वाले को क्वेश्चन क्यों दे, और आंसर तो बिल्कुल मत देना। क्वेश्चन दो तो चाहे हो सकता है कि कुछ हो जाए, अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, पर आंसर किसी को मत देना, नहीं तो HCL वाले आपको सीधा किक करेंगे और शायद आपको कोई रिवाइव भी ना कर पाए, तो इस वजह से ध्यान रखना अपना। और इस वीडियो में इतना ही था, IKM वाली वीडियो जल्दी ही आ जाएगी और इतनी सटीक वीडियो,
इतनी एक्यूरेट वीडियो, आई होप कि सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो ध्यान रखना, लैब को आराम से क्लियर कर देना फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो बहुत इजी होती है। फर्स्ट में आपको थोड़ा डर लगेगा, मैं पर बता रहा हूँ, आप फर्स्ट वाली जैसे ही दोगे, आपको जो मैंने सब बताया है वही सब आपको दिखेगा। एक बार में क्लियर नहीं कर पाओ तो सेकंड अटेम्प्ट तो है ही। सेकंड अटेम्प्ट में किसी भी हालत में क्लियर कर ही देना। सेकंड अटेम्प्ट में एक्चुअल में क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन बहुत बदल जाते हैं। पहले वाले जो अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए थे, वो वाले क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में नहीं आते। ऐसा सोचना भी मत कि वही क्वेश्चन आएंगे। फाइल अपलोड कर देना, देख लेना सही से अपलोड हुई या नहीं हुई, और फिर भी अगर अभी कोई डाउट बच गया है लैब से रिलेटेड, वैसे तो जितनी भी डाउट मेरे दिमाग में थे लैब को लेकर वो सब मैंने क्लियर करे है, पर अगर अभी भी कुछ बचा है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के साथ, वहाँ कुछ भी पूछो तो कोई भी बंदा आपका रिप्लाई कर देगा। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इतनी एक्यूरेट वीडियो IKM को लेकर भी आ जाएगी जल्दी ही, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। ऊपर आई बटन पर क्लिक करो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। ऐसे ही HCL से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, इसीलिए विशाल तंवर OG को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।